all the bottle is too huge to handle. So aaj mujhe kafi hai. Hello. Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. It's the most requested video. मैं जब भी कोई वीडियो डालती हूँ किसी ना किसी का कमेंट आता है अपना अपडेटेड स्किन केयर रूटीन बताओ. पहले मैं काफ़ी रेगुलरली डालती थी लेकिन बीच में शादी का थोड़ा ऑन ऑफ हो गया. अब मैं कोशिश करूँगी मंथ में एक बार अपना अपडेटेड स्किन केयर रूटीन आपको बता ही दूँ बिकॉज मेरा रूटीन काफ़ी जल्दी जल्दी चेंज होता है. नंबर वन रीज़न इज वेदर. वेदर जैसे जैसे चेंज होता है स्किन की भी नीड्स चेंज होती हैं तो मैं ऐसे शिफ्ट करती रहती हूँ और एक प्रोडक्ट मैं बहुत लंबा कभी यूज़ नहीं करती. एक तो मेरी जॉब भी ऐसी है मुझे नए नए प्रोडक्ट ट्राई करने को मिल ही जाते हैं. प्लस मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं स्विच करती रहूँ अलग अलग प्रोडक्ट्स में. सो यार मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ मैं कौन से प्रोडक्ट्स आजकल यूज कर रही हूँ फॉर माय ऑयली एक्ने प्रोन स्किन. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट मी क्विकली चेंज फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज इसमें स्किन केयर रूटीन किया तो ये टॉप खराब हो जाएगा. अच्छा नया टॉप है सो फटाफट से पहले चेंज कर लेती हूँ. एंड वी आर रेडी फॉर नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन. अब स्टेप नंबर वन होता है स्किन केयर रूटीन का मेकअप को हटाना. जिससे मैं बहुत ज्यादा हैवी मेकअप करती हूँ लाइक फाउंडेशन कंसीलर सनस्क्रीन बहुत लगाई है तब मैं करती हूँ ऑयल क्लेंजिंग बिकॉज उससे ही सारा मेकअप हटता है. बट आज मैंने इतना कोई मेकअप नहीं किया खाली हल्की फुल्की सनस्क्रीन है थोड़ी सी मैंने बीबी क्रीम लगाई थी दैट्स इट. तो मैं यूज करने वाली हूँ मेरा ट्रस्टेड बायोडर्मा का माइसलर वाटर. सो पोरिंग अ लिटिल. मैंने बहुत सारे माइसलर वाटर यूज करे हैं लेकिन बहुत लिमिटेड ऐसे माइसलर वाटर है जो मुझे अच्छे से सूट करते हैं एंड दिस इज वन ऑफ देम जो मेकअप को भी हटाता है एंड बिल्कुल मेरी स्किन को सेंसिटाइज नहीं करता या एक्ने को एग्रीवेट नहीं करता बिकॉज मेरी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है. तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि स्किन रेड रेड हो जाती है एक्ने बढ़ जाते हैं. कुछ कुछ माइसलर वाटर में ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो स्किन को और टिंगल करते हैं बट इसके साथ ऐसा नहीं है. दिस इज वेरी नाइस एंड सेंसिटिव स्किन अप्रोप्रिएट माइसलर वाटर. सबसे पहले मैं पूरे फेस का हटा लूंगी जो भी मेकअप है अच्छे से बिकॉज लिपस्टिक अगर मैंने इस पर वाइप कर दी तो फिर मैं फेस पे नहीं लगाती. सो अच्छे से सारा फेस का रिमूव करके अगर मैंने आई मेकअप किया होता तो मैं एक अलग से कॉटन पैड लेती हूँ और आई मेकअप भी रिमूव करती हूँ. आज मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ आईज पे तो मैं दूसरी वाली साइड से ही जो आईज़ के ऊपर हल्का फुल्का जो फाउंडेशन या कुछ भी सनस्क्रीन टाइप है उसको रिमूव करने वाली हूँ और लास्ट में जब पूरा मेकअप अच्छे से निकल जाएगा आई विल बी यूजिंग द सेम कॉटन पैड टू रिमूव द लिपस्टिक. सो यू कैन सी पूरा मेकअप अच्छे से इसके ऊपर निकल गया है. आई लव दिस माइसलर वाटर वर्क्स रियली वेल. स्टेप नंबर टू इज फेस वॉश. आई हैव टू फेस वॉश राइट ओवर हेयर. जिस दिन मुझे एक्सफोलिएशन करनी होती है हल्का फुल्का डेड स्किन को हटाना है लगता है कि स्किन में गंक बहुत ज़्यादा हो रहा है लाइक वीक में एक या दो बार इससे ज़्यादा मैं नहीं करती बिकॉज इसमें बहुत माइल्ड एक्सफोलिएटिंग ग्रैन्यूल्स हैं जो सेंसिटिव स्किन के लिए बने हैं. वो वाले स्क्रब नहीं है जो मार्केट में दूसरे बड़े बड़े वॉलनट वाले स्क्रब मिलते हैं वो नहीं है. दिस इज डर्मैट रिकमेंडेड एज वेल. काफ़ी सारे डर्मेटोलॉजिस्ट भी ये वाली ब्रांड ये वाला प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं. दिस इज बायोडर्मा पिगमेंट बायो फोमिंग क्रीम. ये एक्सफोलिएट करता है इवन आउट करता है स्किन को एल्यूमिनेट भी करता है एंड ये बेसिकली बना है डार्क स्पॉट्स एंड सेंसिटिव स्किन के लिए. तो अगर आपको डार्क स्पॉट्स का इशू या फिर आपकी सेंसिटिव स्किन है ये फेस वॉश काफी अच्छा है. मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है. इनफैक्ट मैं इसको अब खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं एमटीज के बॉक्स में डाल पाऊँ. आजकल मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स पड़े हैं जो इतने टाइम से रखे हैं. रियली वॉन्ट कि मैं जो बच्चा कुचा अच्छे से खत्म करूँ और फिर उसको एमटीज में डाल दूँ. सो ये फेस वॉश मैंने कल ही यूज किया था तो मैं आज नहीं यूज करी. मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ. आप हालत देख रहे हो मैंने कितना ज्यादा यूज किया है. दिस वन इज वेरी नाइस. लाइक आपको दिखेंगे भी नहीं इसमें इतने छोटे ग्रैन्यूल्स हैं ना स्क्रब के बहुत माइल्ड और छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं पता भी नहीं चलता लेकिन स्किन हल्की हल्की एक्सफोलिएट हो जाती है. दिस इज वेरी नाइस फॉर सेंसिटिव एक्ने प्रोन स्किन. सो आज मैं यूज करने वाली हूँ ये वाला क्लेंजर जिसकी काफी बड़ी बॉटल है मेरे पास. ये अमेजोन पे आपको डिफरेंट साइजेस में मिल जाएगी. आप इसका छोटा साइज भी ले सकते हो अगर आप पहले ट्राई करना चाहते हो. दिस इज बाय सेरावे अगेन डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड ब्रांड. ये जो पूरा रूटीन है ना कहीं ना कहीं डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव भी बोल सकते हो. दिस इज सेरावे फोमिंग फेशियल क्लेंजर फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन. ये क्लेंज करता है रिमूव करता है ऑयल विदाउट डिस्ट्रप्टिंग द प्रोटेक्टिव स्किन बैरियर. तो स्किन के बैरियर को भी खराब नहीं करता लेकिन आपके फेस को अच्छे से क्लेंस कर देता है. ऑल द बॉटल इज टू ह्यूज टू हैंडल. इसको नीचे रख के यूज करो तब ज्यादा ईजी रहता है. Yeah, let me just massage it really well into my hand ताकि अच्छे से फोम बन जाए. काफी बार हम डायरेक्टली भी जो फेस वॉश फेस पे यूज कर लेते हैं ना वो भी पोर क्लॉगिंग हो जाता है बिकॉज आप उसको अच्छे से अपने हाथों पे ऐसे इमल्सिफाई नहीं कर रहे. सो मैं अच्छे से उसको पहले इमल्सिफाई करूंगी. यू कैन सी द फोम एंड नाउ आई विल मसाज इन टू माई स्किन. आई लव द फैक्ट इससे बहुत अच्छे स्किन क्लेंस हो जाती है थोड़ा बहुत फोम भी बनता है. बिल्कुल वो नॉन फोमी वाला फेस वॉश नहीं है हल्का फुल्का फोम बनता है जिससे लगता है कि हाँ मेरी स्किन क्लीन हो गई. नॉन कॉमेडोजेनिक है तो ये पोर्स को क्लॉग नहीं करता. इसमें नायसिनमाइड भी है जो स्किन को काम डाउन करता है और ये फ्रेग्रेंस फ्री है तो बिल्कुल भी आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करता. लाइक ओवरऑल इफ यू हैव एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन तो आप डेफिनेटली फेस वॉश ले सकते हो. एंड माई स्किन इज कम्प्लीटली क्लेंस नाउ. इसको कहते हैं डबल क्लेंजिंग. ये दोनों स्टेप करके ही आपकी स्किन अच्छे से क्लीन होती है. अदरवाइज सनस्क्रीन या फिर मेकअप पोर्स क्लॉग कर सकते हैं एंड देन फिर आपको एक्ने हो सकते हैं. द नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड ट्रीटमेंट स्टेप. नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में हमेशा एक ऐसा प्रोडक्ट यूज किया करो जो ओवरनाइट आपकी स्किन को ट्रीट करे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करे
एक्ने है तो उसको ठीक करें, मार्क्स है तो उसको फेड आउट करें, अगर आपको एजिंग है तो उस पर वर्क करें, या फिर पिगमेंटेशन, डिपेंडिंग ऑन योर स्किन प्रॉब्लम आप कोई भी अपने हिसाब से प्रोडक्ट ले सकते हो। मैं दो प्रोडक्ट्स आपको रिकमेंड करने वाली हूँ जो शॉर्ट शॉर्ट सारी स्किन टाइप को सूट करने वाले हैं, नॉट जस्ट ऑयली एक्ने प्रोन स्किन। मैं दोनों में से एक ही यूज करूंगी बिकॉज दोनों एक साथ नहीं यूज कर सकते। आई एम टॉकिंग अबाउट दीज फॉक्सटेल प्रोडक्ट। सबसे पहले है मेरे पास फॉक्सटेल का ये वाइटमिन सी ब्राइटनिंग सीरम। इसके अंदर है 15% एल एस्कॉर्बिक एसिड, जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म का वाइटमिन सी माना जाता है। ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है, जो एक्ने मार्क्स होते हैं उसको फेड करने में हेल्प करता है, ब्लेमिशेस को हटाता है, ये क्लेम भी करता है बेसिकली रिड्यूसेस डार्क स्पॉट, बैलेंसेस अनइवन स्किन टोन। ये ऑल स्किन टाइप के लिए बना है। मैं आपको इसकी एक बार दिखा देती हूँ कि कुछ इस तरह से दिखता है। इट हैज़ अ मॉइस्चराइजर सॉर्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। तो इसके बाद अगर आप कोई मॉइस्चराइजर नहीं भी यूज करोगे तो चलेगा, बिकॉज ये वाइटमिन सी सीरम लिक्विड वाला नहीं है, इट्स मोर लाइक अ नरिशिंग सॉर्ट ऑफ वाइटमिन सी सीरम। तो अकेला ही एक नरिशमेंट का भी काम करता है। बट आज मैं यूज करने वाली हूँ ट्रीटमेंट स्टेप। ये मैं डे टाइम में यूज करना ज्यादा प्रेफर करती हूँ। वाइटमिन सी सीरम एंड सनस्क्रीन इज अ वेरी नाइस कॉम्बिनेशन। काफी बार डे टाइम में लगा लेती हूँ, अगर लगता है बहुत ज्यादा धूप में जाना है तो फिर मैं इसको रात को लगाती हूँ, सो डिपेंडिंग ऑन माई नीड। लेकिन आज मैं यूज करने वाली हूँ फॉक्सटेल का, मेरा करंट फेवरेट प्रोडक्ट, जो मैं काफी बात कर चुकी हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पे भी इसकी रील बनाई थी बिकॉज पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा है। दिस इज फॉक्सटेल द डीवा ओवरनाइट ग्लो मास्क। सो इसका नाम मास्क है लेकिन ये वो वाला मास्क नहीं है जैसे क्लियर मास्क एंड ऑल आते हैं, ऐसा नहीं, ये ओवरनाइट ग्लोइंग स्किन मास्क है। इसमें बहुत अच्छे केमिकल एक्सफोलियंट्स हैं, ये बहुत अच्छा ओवरनाइट ग्लो देता है आपके फेस को, जस्ट लाइक आपने कोई सैलून में कोई ट्रीटमेंट कराई है, बिकॉज इसके अंदर जितने भी केमिकल एक्सफोलियंट है वो एक तरह से फेशियल का काम करते हैं आपकी स्किन के लिए। लाइक जो AHA है, PHA है, इसके अंदर प्रो वाइटामिन B5 है, जो आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हैं, जो एक्ने होते हैं, बिकॉज AHA एक्सफोलिएशन करने से आपके जो एक्ने का जो मेन रूट कॉज होता है ना, जो बैक्टीरिया जिसकी वजह से एक्ने होते हैं, उसको भी ये किल करने में हेल्प करता है। एंड ओवरऑल AHA वैसे भी अच्छा होता है, जो आपके एक्ने मार्क्स रह जाते हैं, पिगमेंटेशन रह जाती है, उसको लाइटन करने में भी हेल्प करता है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। काफी सारा तो मैं अभी यूज भी कर चुकी हूँ, मैं एक बार इसकी आपको कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ। सो ये एक ओवरनाइट मास्क है, इसको एक तो आपको डेली यूज नहीं करना बिकॉज ये AHA PHA बेस्ड मास्क है, तो इसको खाली हफ्ते में एक या दो बार यूज करना है और रात को यूज करना है। आप इसको डे टाइम में नहीं यूज कर सकते, इट इज अ नाइट टाइम ट्रीटमेंट, ताकि आप रात को लगाओ और एक अच्छी आपकी स्किन ट्रीट हो जाए। आप इसको लगा के धूप में नहीं जा सकते। सो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मेरे जो कंसर्नड एरियाज है, मुझे पता है मुझे यहाँ हार्मोनल बेल्ट, ये जो पूरी हार्मोनल एरिया, यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्ने होते हैं, तो मैं यहाँ पर ज्यादा अच्छे से इसको स्प्रेड करती हूँ। एंड देन आई गो अप ऑन द चीक्स और थोड़ी बहुत मैं अपने नोज पर भी लेती हूँ, बिकॉज ये जितने भी व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स है ना, वो AHA काफ़ी अच्छे से उसको किल करेगा। एंड अ लिटिल बिट ऑन माय फोरहेड। सो इसका एक मास्क की लेयर में लगाना है इसको, इसको ऐसे मसाज नहीं करना अपनी स्किन में, मोर लाइक अ मास्क, एक थिन लेयर जैसे आप जेल की लगाते हो बिल्कुल वैसा लगाना है। और इनिशियली आपको हल्का हल्का टिंगलिंग सेंसेशन फील हो सकती है बिकॉज ये AHA बेस्ड है, जैसे आप केमिकली एक्सफोलियंट चूज करते हो ना, आपकी स्किन हल्की सी टिंगल करती है, चीज चीज फील होती है। सो डरना मत, इनिशियली ये टिंगल करेगी बट ओवरनाइट ये बहुत अच्छा वर्क करती है। जस्ट मेक श्योर नेक्स्ट डे जब आप बाहर जाओ तो सनस्क्रीन लगा के जाओ, बिकॉज जब आप ऐसे AHA बेस्ड ट्रीटमेंट यूज करते हो तो आपको अगले दिन अपनी स्किन को बहुत अच्छे से सन प्रोटेक्ट करना होता है। दिस इज लिटरली द लास्ट स्टेप ऑफ माय फेस स्किन केयर रूटीन। जब भी अपना स्किन केयर रूटीन करो प्लीज अपने लिप्स को मत भूल जाना, बिकॉज ओवरनाइट अगर आप एक अच्छा नरिशमेंट हाइड्रेशन अपने लिप्स को दोगे ना, तो एकदम प्लम्प रहेंगे अगले दिन। फिर आप कितनी भी मैट लिपस्टिक लगा लो, वो अच्छे से स्टे भी करेगी और आपके लिप्स भी ठीक रहेंगे। अदरवाइज एक्सेसिवली लिपस्टिक यूज करने की वजह से आपके लिप्स डार्क हो सकते हैं, चापी चापी हो सकते हैं। सो आजकल मेरा ये फेवरेट चल रहा है, मैंने ये रिसेंटली परचेज किया अमेजोन से एंड आई एम रियली लाइकिंग इट। ये काफी अच्छी डील पे अवेलेबल है अमेजोन की प्राइम डे सेल पे, तो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो। दिस इज अ लिनेज लिप स्लीपिंग मास्क, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। आई एम श्योर आप सबने ट्राई किया होगा या फिर देखा ही होगा, मैं काफी लेट हो गई इसको ट्राई करने में, बट दिस वन इज रियली गुड। मतलब बहुत रेयर होता है कि आप कुछ लिप ट्रीटमेंट लगा रहे हो रात को और सुबह तक आपको फील होती है कि हाँ आपके लिप्स को नरिशमेंट दे रही है, एंड दिस इज वन ऑफ देम। सो हल्का सा ही लेती हूँ एंड आई जस्ट मसाज इन टू माई लिप्स प्रॉपरली। ऐसे नहीं खाली हल्का हल्का लगाया, पूरा बॉर्डर पे भी लगाती हूँ, बिकॉज काफी बार लिप्स के बॉर्डर पे भी ऐसे ड्राइनेस आ जाती है, स्पेशली आजकल ऐसे AC में सोते हैं ना ज्यादा, तो उससे भी ड्राइनेस आती है। सो आई जस्ट मसाज इट रियली वेल। इसका बेरीज का फ्लेवर बहुत अच्छा है, लाइक दिस इज स्लाइटली एक्सपेंसिव बट वर्थ एवरी पेनी। अमेजोन की सेल पे आप डेफिनेटली ले सकते हो। एंड विद दिस माई स्किन केयर रूटीन इज ओवर। इन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। काफी सारे प्रोडक्ट्स अभी अमेजोन की सेल पे बहुत अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल है, तो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाई एनी ब्रांड जो मैंने आज फीचर करी है, दिस इज जस्ट माई करंट स्किन केयर रूटीन। अमेजोन के साथ कोलैबोरेशन में वीडियो बनाई है, लेकिन कोई ब्रांड ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दीज वीडियोज। इसके अलावा आपने कोई प्रोडक्ट ट्राई किया आपको अच्छा लग रहा हो, या फिर इसमें से कुछ आपने ट्राई किया आपके लिए कैसा वर्क किया, अपना रिव्यू जरा नीचे दे देना कमेंट सेक्शन में। ऑल्सो मेरे
मेरे चैनल पे बहुत अच्छा गिवअवे चल रहा है 200K सब्सक्राइबर का, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने अनाउंस कर दिया था, अगर आपने नहीं पार्टिसिपेट किया प्लीज गो देयर एंड पार्टिसिपेट। और बाकी जो भी डिटेल्स है अमेज़न की सेल की मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो प्लीज चेक कर लेना। दैट इज इट फॉर टुडे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।